सर की क्लास में डीपीसी मेंस डायरेक्शन फिजिक्स क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हमारा विद्युत विभव जो चैप्टर है वो, उसका जो अगला टॉपिक है विद्युत विभव में, विद्युत विभव पढ़ लिया था हमने, विभवांतर पढ़ लिया था, जिसमें अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण जो बिंदु है उस पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इसमें एक सवाल इस तरह भी बन सकता है, विद्युत द्विध्रुव के r थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का चित्र समझते हैं, डायग्राम। तो देखिए, ये कोई आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव का ये माइनस आवेश और ये द्विध्रुव पर प्लस आवेश, और ये द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और ये हमने मानी कि ये कितनी है, 2a। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी ले ली हमने बेटा, 2a। और ये द्विध्रुव का माना केंद्र है, और केंद्र से माइनस आवेश की दूरी हो जाएगी a और प्लस आवेश से दूरी भी हो जाएगी a। और इस द्विध्रुव के इस बिंदु को नाम दे देते हैं कैपिटल a, और इसको नाम दे देते हैं जहां प्लस आवेश रखा है उसको कैपिटल b। अब ये कह रहा है कि r थीटा पर आपको विभव ज्ञात करना है, या द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो ज्ञात करना है। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में, और वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, या अक्ष पर जो विद्युत विभव है उसका मान अधिकतम होता है और निरक्ष पर शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। तो सभी टॉपिकों का मतलब एक ही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है आपको विभव ज्ञात करना। तो विद्युत द्विध्रुव की जब भी बात आती है तो हम, मैंने आपको पहले बताया, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो माना इसके केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए, ये आपका P बिंदु है, जहां द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है। इस थीटा कोण के लिए और ये दूरी मान लेते हैं r, इसीलिए इसको बोला जाता है r थीटा पर। तो थीटा कोण विद्युत जो द्विध्रुव है उसका ये अक्ष है, अक्ष से हमने माना कि थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर द्विध्रुव के केंद्र से कोई बिंदु P है जहां पर हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस आवेश के कारण इस P बिंदु पर माइनस आवेश के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो ये होगा बेटा, इसको इससे मिला देंगे ये दूरी, और ये माना ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमने मान ली कि r1 है। इस प्लस आवेश से जो विभव उत्पन्न होगा उसकी दूरी ये होगी, और इसको हमने मान लिया कि r2 है। ये माइनस आवेश भी इस P बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, और ये प्लस आवेश भी P बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा। तो यहां से जब विभव का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं तो V इज इक्वल टू आपके पास आता है KQ अपॉन R या स्मॉल r, जो भी आप लिखना चाहें। इसका मतलब विभव जो है वो दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो इस माइनस आवेश से P बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा उसके लिए दूरी होगी R1, और प्लस आवेश से दूरी होगी R2। ठीक है, अब देखो यहां समझने की बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो कुल विभव का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर कुल विभव माना V है, तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। V1 है इस माइनस आवेश के कारण और V2 है इस प्लस आवेश के कारण। तो V1 का जो मान है वो आपके पास आएगा, आपके पास माइनस का KQ अपॉन दूरी है इसकी R1, और V2 का आपके पास मान आएगा KQ अपॉन R2। दोनों मान यहां रख देंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन आएगी आपके पास, V इज इक्वल टू माइनस का KQ अपॉन R1 एंड प्लस KQ अपॉन R2। दोनों में कॉमन क्या है, तो V इज इक्वल टू KQ कॉमन, तो आपके पास यहां से आ जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस का तो पहले लिख दिया, और माइनस 1 अपॉन R1 माइनस का इसके बाद में लिख दिया। दोनों में देखें तो लघुत्तम क्या है बेटा, R1 इंटू R2,
बराबर आपके पास आ जाएगा के क्यू, और यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो आएगा आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू। ये आ गया पी बिंदु पर विभव। परंतु देखो यहाँ समझने की बात यह है कि हम आर वन, हमारे पास ज्ञात क्या है, हमारे पास ज्ञात है आर, और हमें इसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में आर वन और आर टू का मान ज्ञात करना है। और जब आर वन आर टू का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इस चित्र पे देखना है ध्यान से, और ये है कि इन दोनों के मध्य हम पथांतर ज्ञात करेंगे, और पथांतर का मतलब होता है पथ में अंतर। तो भाई जब भी पथांतर ज्ञात करते हैं तो मैं आपको एक सरल सा तरीका हो गया, छोटे पथ से बड़े पथ पे, सॉरी, तो जो लंबवत रेखा होगी जहां काटेगी बड़े जो पथ है उस पे जो कटा हुआ भाग है वो पथांतर होगा, शेष बचा हुआ भाग वो है बराबर प्रांतों। कैसे? आर और आर टू में देखें तो कौन सा कॉमन दिमाग लगा है, तो कौन सी जो रेखा है वो बड़ी है, तो भाई क्लियर है आर जो है वो बड़ा दिख रहा है, आर टू जो है छोटा, तो आर टू से, आर टू के बी बिंदु से हम इस पे एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। ये कोण जो आपका होगा ये 90 का होगा, और इसको नाम देते हैं सी बिंदु जहां ये काट रहा है। तो ओ से सी तक तो इसका आ गया पथांतर, और सी से लेकर पी और बी से लेकर पी की जो डिस्टेंस है वो बराबर आ गई। इसका मतलब यहां पर बीपी बराबर आ गया सीपी, ठीक है। इसका मतलब पथांतर कैसे ज्ञात करते हैं, सेकंड फिजिक्स में भी आपको जब भी पथांतर ज्ञात करना हो तो हम छोटी रेखा के किसी बिंदु से बड़ी रेखा पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, जो कटा हुआ भाग होगा वो उसका क्या होगा पथांतर। अब इन दोनों में देखते हैं पथांतर आर और आर वन में, तो देखो वैसे देखा जाए तो आर वन बड़ा है आर से, तो हमें आर वन से एक लंबवत रेखा खींचनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे जो चीज हमें ज्ञात होती है, हमें यह ज्ञात क्या है, हमें तो भाई आर देगा कि दी ध्रुव के ओ बिंदु से ये पी बिंदु कितनी दूरी पर, ये हमें नहीं पता। तो जो चीज ज्ञात होती है उससे कभी भी लंब नहीं डालेंगे, तो फिर क्या करें हम इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। देखो आगे की ओर बढ़ाया इसको यहां, ठीक है, आगे की ओर इस तरह से इसको बढ़ाया। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो पता चल रहा है ये रेखा बड़ी है, तो यहां से हम एक लंबवत रेखा इस पर खींचेंगे, तो ये मैंने एक लंबवत रेखा खींच दी, और ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, 90 का है, और इसको बिंदु दे देंगे डी। इसका मतलब इन दोनों के बीच पथांतर कितना है ओडी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डीपी जो है, डीपी जो है वो इक्वल है किसके, एपी के, ठीक है बेटा। अब हम वैल्यू निकालेंगे जिसकी, आर वन और आर टू की, तो भाई हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते ओ बी सी, ओ बी सी। इसमें ध्यान से देखें तो हम पथांतर का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो पथांतर के लिए हम इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं ओ सी बटे ओ बी, ठीक है। ओ सी जो है अगर देखा जाए तो 90 के सामने हमेशा कौन सी भुजा रहती है, 90 के सामने हमेशा कर्ण भुजा, थीटा के सामने लंब भुजा, और बच गई जो आधार भुजा। इसका मतलब जो ओसी भुजा है वो आधार भुजा है, आधार बटे, और ओ बी जो भुजा वो कर्ण है, तो आपके पास आ जाएगा ओसी बटे ओ बी, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ओसी ज्ञात करना चाहते हैं ओ बी कोस थीटा, और ओ बी का जो मान है वो है स्मॉल ए, तो आपके पास आ जाएगा OC इज इक्वल टू A cos थीटा। OC कितना आ गया बेटा, A cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम OD याद करेंगे, तो फिर हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज AOD, AOD इसमें देखेंगे तो हमें क्या याद करना है OD, तो OD अपॉन हमारे पास दिया हुआ क्या है OA, और ये आपके पास देखो क्या बनने वाला है, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा बेटा थीटा, ठीक है। ये कैसे कौन है शीर्षाभ्यू, और ये 90-90 के सामने ये भुजा करण, थीटा के सामने लंब भुजा, और बच गई जो आधार, इसका मतलब ओडी आधार है, और ओए क्या है, ओए आपके पास करण है, आधार बटे करण वही कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ओडी इज इक्वल टू ओए, ओए का मान ए है तो आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसका मतलब ओसी भी ए कॉस थीटा और ओडी भी कितना है ए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम,
हमें इन इसी डायग्राम से मान ज्ञात करना है R1 और R2 का। तो देखो चित्र से ध्यान से समझना है, चित्र में ध्यान रखना है। चित्र से हमें निकालना है R1। देखो R1 ध्यान से समझो, R1 जो हम ज्ञात करेंगे तो R1 और R में रिलेशन देखें तो R जो है R1 के बराबर तभी हो सकता है जब उसमें ये ऐड कर दें। देखो D से लेकर P तक की जो दूरी है, A से लेकर जो P तक की दूरी है, वो बराबर है। इसका मतलब अगर R में हम OD ऐड कर देंगे तो R1 बन जाएगा। इसका मतलब R1 का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास OD प्लस OP। क्लियर? तो R1 आपके पास आ जाएगा, OD का मान हमने याद किया ये रहा A cos थीटा और OP का मान कितना बेटा R। तो आपके पास आ जाएगा R1 is equal to R plus A cos थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास R1। इसी तरह से चित्र से हम R2 ज्ञात करेंगे तो R2 बराबर ध्यान से देखो, R2 और R में CP और BP तो बराबर है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो अगर O से लेकर P में अगर ये OC घटा दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, CP, और CP किसके बराबर होगा, BP के। इसका मतलब ये होगा कि R2 जो है वो होगी R माइनस OC, और OC कितना है बेटा, तो R2 बराबर आ जाएगा R माइनस A cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास R1 आ गया R प्लस A cos थीटा और R2 आ गया R माइनस A cos थीटा। ये दोनों जो वैल्यू है वो R1 और R2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सुंदर सा। देखो क्या आएगा, हाँ भाई देखिए R1 और R2 के मान यहाँ रखेंगे तो आपके पास आएगा V is equal to KQ, और R1 की जगह मान रखेंगे तो आपके पास है R A cos theta and negative sign, R2 आपके पास है R minus A cos theta, और नीचे आपके पास है R1 into R2, तो ये आ जाएगा R plus A cos theta and R A cos theta minus में। ठीक है, अब देखो तो V is equal to आपके पास आ जाएगा KQ, यहां से देखें तो R plus A cos theta, ये negative sign अंदर जाएगा तो sign change हो जाएंगे, positive जो है वो negative हो जाएगा, negative जो positive, क्या आ जाएगा आपके पास negative R and plus A cos theta। और देखो डिनोमिनेटर में हर की बात करें तो हर में है एक फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला है आपने टेंथ में पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे यहाँ पर, तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का दो कोष्टक है और सेम राशियां हैं, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया बेटा, तो आपके पास आ जाएगा V is equal to KQ, और यहां से A cos theta, तो ये आ जाएगा 2A cos theta, और नीचे आ जाएगा R square A square cos square theta। ठीक है, तो यहां इसको आगे सॉल्व करें तो Q into 2A, इसको सेपरेट कर देते हैं, Q into 2A cos theta and upon R square minus A square cos square theta। Q into 2A बोला जाता है P, द्विध्रुवागुण P is equal to Q into 2A, इसका उपयोग करें तो आपके पास आ जाएगा V is equal to KP cos theta upon R square minus A square cos square theta। ठीक है, अब एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये है कि जो आपके पास R क्या है, R तो है द्विध्रुव के O बिंदु से P बिंदु की दूरी, और A क्या है द्विध्रुव की जो केंद्र से आवेश की दूरी, तो ये बहुत ही छोटी होगी, तो हम कह सकते हैं कि R जो है ग्रेटर देन है किससे, A से। ठीक है, इसका मतलब जो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ये तो बिल्कुल ही एप्रोक्सीमेट क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, नगण्य होगा, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को एप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं बेटा, जीरो। ठीक है, तो यहां से इसको A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जीरो लेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास विद्युत विभव R थीटा पर। ठीक है, अब इसको अक्ष और निरक्ष में बदलते हैं, तो
देखो अक्ष पे क्या है भाई, तो हमारे पास v बराबर kp cos थीटा / r स्क्वायर आया। तो अक्ष के लिए याद करें तो हम लिखेंगे द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव अक्ष के लिए क्या आ जाएगा बेटा। देखो अक्ष के लिए थीटा का मान आएगा जीरो, थीटा का मान क्या आएगा जीरो। कैसे चेक करते हैं, चित्र ये था, ये पी बिंदु था, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, द्विध्रुव था और ये एंगल थीटा था। और अगर ये थीटा जीरो होगा तो पी पॉइंट इधर आ जाएगा और ये कौन सा द्विध्रुव का क्या कहलाता है, ये अक्ष। तो अक्ष का मतलब थीटा जीरो लेंगे या जीरो लेंगे तो कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। तो आपके पास विभव जो है एक्स पर वो आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो है ये मान एक्स पर मिलता है जो विभव का वो अधिकतम होता है, क्या होता है बेटा अधिकतम। अब हम ले लेते हैं सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष पर विद्युत विभव। निरक्ष होगा तो P बिंदु कैसे आ जाएगा, इस तरह से 90 तभी होगा, थीटा 90 तभी होगा, तो ये निरक्ष स्थिति है। तो थीटा 90 हो जाएगा इस कंडीशन में, तो cos 90 कितना होगा बेटा, cos 90 जीरो, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो V निरक्ष आपके पास आ जाएगा, V निरक्ष और ये विद्युत विभव द्विध्रुव के निरक्ष पे आ जाएगा जीरो और ये कहलाता है न्यूनतम। क्या कहलाएगा बेटा, न्यूनतम। कैसे, cos 90 का मान जीरो लेंगे, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो हो जाएगा, तो निरक्ष पे क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये था आपके पास विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर या r थीटा बिंदु पर विद्युत विभव या अक्ष या निरक्ष पर विद्युत विभव या r पर थीटा पर किस बिंदु पर अधिकतम और किस पे न्यूनतम, तो अधिकतम और न्यूनतम। देखो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। आपके इसी चैप्टर का विद्युत विभव का अगला जो टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का अगर आप देखें तो नाम से ही पता चल रहा है, सम माने समान, सम का मतलब क्या होगा बेटा समान, और विभव मतलब विभव, विभव मतलब विभव, और पृष्ठ का मतलब, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल या सिंपल पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ अगर परिभाषा देखें तो सिंपल सी परिभाषा इसकी बनती है और बहुत बार पूछा भी जाता है बोर्ड में ये समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहेगा तो ऐसा पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ परिभाषा देखें तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल कि आपके पास तो समविभव पृष्ठ था और समविभव पृष्ठ पे ये विद्युत बल रेखाएं थी जो पृष्ठ के लंबवत निकल रही है, तो यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी है, तो इसके ए बिंदु पर विभव बी है और इस बी बिंदु पर विभव बी भी है, तो समविभव अगर ये पृष्ठ है तो इसका मतलब यहाँ ए और बी जो है इन बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, तो दोनों बिंदुओं पर विभवांतर क्या होगा, दोनों बिंदुओं पर विभवांतर का जो मान है बेटा वो होगा जीरो, क्योंकि विभवांतर क्या होगा VA माइनस VB और दोनों जगह विभव समान है तो मान आ जाएगा जीरो। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या रहता है, शून्य, ठीक है। तीसरी एक इंफॉर्मेशन और है इसमें, वो ये है कि विभवांतर का सूत्र होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू कार्य बटे आपके पास आवेश था और कार्य भी होगा आपका BA, कार्य होगा PA और इसको लिख सकते हैं WB minus WA upon Q। इसका मतलब अगर ये जीरो है तो WBA का जो मान है WBA upon Q और ये BA minus BB जीरो है तो जीरो, तो भाई डब्ल्यू
जाएगा, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि किया गया कार्य भी जीरो है। ठीक है, इसका मतलब सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेके जाते हैं तो किया गया कार्य भी शून्य रहेगा। ठीक है, अब देखो सम विभव पृष्ठ कुछ बनाते हैं हम। पहला एकल आवेश के लिए बनाए, तो एकल आवेश अगर ये कोई आवेश है तो इसका ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, इस तरह से जितने भी गोले बनते जाएंगे ये सारे गोले जो है वो इसका कहलाएंगे सम विभव पृष्ठ। क्या कहलाएंगे बेटा इसके? सम विभव पृष्ठ। तो ये जो पहला गोला है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव का मान समान है, इस वाले के लिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहेगा, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहेगा। तो ये मैंने एकल आवेश की स्थिति दिखाई है। ठीक है, इसका मतलब यहां चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर और चाहे इधर और चाहे इस दिशा, सभी जगह विभव का मान क्या रहता है? समान रहेगा। ठीक है, और अगर पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ के लिए हम देखें तो पृष्ठ की भी बना देते हैं। तो देखो पृष्ठ के लिए इस तरह से हम कोई भी प्लेट ले लेते हैं, तो यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत गुजरती है इस तरह से। ठीक है, तो यहां ये पृष्ठ ए है, ये पृष्ठ बी है, तो ये भी क्या कहलाते हैं? सम विभव पृष्ठ। इसका मतलब प्रत्येक जो धातु है उनके जो पृष्ठ हैं, प्रत्येक धातु के पृष्ठ, वो सभी जो पृष्ठ हैं वो सम विभव पृष्ठ होते हैं। कैसे पृष्ठ होते हैं? सम विभव पृष्ठ। एक और खास बात इसमें है कि इसमें जो विद्युत बल रेखा है पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती है और लंबवत ही निर्गत होती है, और सम जो विभव पृष्ठ है वो दो सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। ठीक है, कट नहीं करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो विद्युत बल रेखा यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इसमें वो पृष्ठ की लंबवत होती है सम विभव पृष्ठ में। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। ठीक है छोटा, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है इसी चैप्टर में, वो है गोलों के कारण विभव। गोलों के कारण विभव में आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर 12th के चैप्टर जो है उनमें दो गोले हैं, एक चालक और एक कुचालक, चालक और कुचालक। तो पहला आपका जो गोला है वो ले लेते हैं हम चालक गोला। तो चालक गोले के कारण ले लेते हैं हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो चालक जो गोला है उसको हम गोलीय कोष भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं गोलीय कोष। क्या बोलेंगे बेटा? गोलीय कोष, या फिर इसका एक और नाम है, कुछ किताब वाले, सब किताब वाले अलग अलग नाम बताते हैं, कोई चालक गोला बोल देता है, कोई इसको गोलीय कोष बोल देता है, और इसका एक और नाम देखें तो खोखला गोला भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा? खोखला गोला। ठीक है, इस गोले पर हम विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव ज्ञात करते हैं तो आपको पहले गोले का पता होना चाहिए। खोखला गोला होता है ना, उसकी खासियत यह है कि उस पर, खासियत क्या है इसकी, उस पर जो आवेश का मान है वो गोले के पृष्ठ पर रहता है। आवेश कहाँ रहेगा बेटा? गोले के पृष्ठ पर, और अंदर आवेश का मान शून्य रहता है। गोले के अंदर आवेश क्या रहता है? शून्य। और गोले के अंदर आवेश शून्य रहेगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा, विद्युत क्षेत्र भी शून्य रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर, गोले के अंदर खोखला है तो आवेश शून्य है, आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है बेटा? शून्य है। ये बात अच्छे से ध्यान देंगे। तो अब चालक गोला है, उसके गोला कोशा में उसके तीन बिंदुओं पर हम विभव ज्ञात करेंगे जैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। पहला, जब बिंदु चालक गोले के बाहर स्थित हो, चालक गोले कहां स्थित हो? बाहर स्थित हो। तो ध्यान दें कि माना ये कोई चालक गोला है और इसकी त्रिज्या हमने मान रखी है कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है, और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बाहर की ओर, स्मॉल आर दूरी है ये, बाहर की ओर स्मॉल आर दूरी पर बाहर की ओर कोई बिंदु पी है जहां हम इसका विभव ज्ञात करेंगे। तो वही बाहर स्थित बिंदु पर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। ठीक है, अब इस स्थिति में विभव ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब जो परीक्षण आवेश है वो अनंत से कहां आया होगा? पी बिंदु पर, जो कि इस गोले के
जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये है जो आप पढ़ चुके हैं वी और टी में संबंध, और वो ये था कि वी बराबर माइनस समाकलन, और कहां से आए अनंत से कहां तक आ रहा पी बिंदु पर जो केंद्र से कितनी दूरी रह जाती है स्मॉल आर। लिमिट समझ लेना समाकलन की, लिमिट रहेगी अनंत से स्मॉल आर, यानी कि जो परीक्षण आवेश है विभव तभी उत्पन्न होगा जब वो अनंत से किसी बिंदु पर आएगा। किस बिंदु पर आ रहा है? बाहर स्थित बिंदु पी पर। जब इस पी बिंदु पर आएगा तो ये केंद्र से, इस गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है पी बिंदु? आर दूरी पर। तो इसकी सीमाएं हो जाती है समाकलन की अनंत से स्मॉल आर, और विद्युत क्षेत्र उपयोग में लेंगे बाहर वाला ई आउट इनटू डी आर। हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया सिंपल सा, ठीक है जी। तो यहाँ ई आउट क्योंकि बाहर स्थित बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सा उपयोग में लेंगे? बाहर स्थित बिंदु का। और बी और ई का संबंध यह था सिंपल, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इसका, ई इंटू डी आर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर ई आउट का जो मान है, ई आउट का मतलब आप बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, वो आया था आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मान यहाँ रखेंगे तो v का मान आपके पास आ जाएगा v बराबर समाकलन अनंत से स्मॉल r k q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, ठीक है। इसका मतलब r के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं तो k q कांस्टेंट आएगा, तो k q को बाहर ले लेंगे, k q कांस्टेंट समाकलन अनंत से स्मॉल r 1 बटे r स्क्वायर इनटू dr। 1 बटे r स्क्वायर का समाकलन का सूत्र हमारे पास नहीं है, इसको हर से अंश में लेके आएंगे तो v बराबर हम लिख सकते हैं kq समाकलन अनंत से स्मॉल r, और इसको हम लिख सकते हैं r माइनस 2 इनटू dr। r माइनस 2 इसने लिखा क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समाकलन का, x की पावर n इनटू dx, और ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो यहां से उपयोग, अगर यहां तक पहुंच गए तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का k q, और यहां से इसका समाकलन करेंगे r माइनस 2 का, तो n की जगह माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 तो आ जाएगा r माइनस 1, और बटे माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1, और सीमा आ जाएगी आपके पास अनंत से स्मॉल r, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का k क्यूब, और यहां से माइनस, और इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1 बटा r और अनंत से r, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, बाहर लेके आएंगे तो माइनस और माइनस प्लस k क्यूब, तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे r और सीमा आ जाएगी अनंत से r। सीमाएं रखेंगे तो समाकलन की जब भी सीमा रखते हैं पहले उच्च सीमा रखते हैं और फिर निम्न सीमा, बीच में कैसा साइन आता है? ऋणात्मक। तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू k क्यूब, और यहां से आ जाएगा 1 बटे r माइनस 1 बटे अनंत, तो v बराबर आ जाएगा k क्यूब, 1 बटे अनंत 0 होगा तो आ जाएगा 1 बटे r, 1 बटे अनंत लिख लेना, 1 बटे अनंत 0 होता है, तो v बराबर आ जाएगा k क्यूब अपॉन r। देखो 1 बटे अनंत 0 कैसे हुआ, 1 बटे अनंत को बोलते हैं बटा 0, और 1 बटे अनंत की वैल्यू 1 बटा 0 रखेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटे 1 गुणा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0। अरे बोलो नहीं क्या? तो ये आ गया आपके पास v out, क्या है बेटा ये v out, बाहर स्थित बिंदु पर, तो इसको v out बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब v out का जो मान है ना, v out का जो मान आया है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके? व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटे r के, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा इसमें, अगर हम ग्राफ देखें r और v में, तो ग्राफ आएगा बेटा इस तरह से, और ये होगा v out इज एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, ठीक है। कर्व रूप में रहता है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, जब बिंदु चालक गोले के कहां स्थित हो? बाहर स्थित हो, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसका, भाई सेकंड पॉइंट हम लेंगे, जब बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो r बराबर कैपिटल r होगा स्मॉल r बराबर, इसका मतलब p बिंदु इसी के पृष्ठ पर है, ये स्मॉल r, तो स्मॉल r और कैपिटल r दोनों ही रे
अनंत से पृष्ठ पर आ रहा है और पृष्ठ पर जो आएगा तो वो त्रिज्या के बराबर और बोले की तो कैपिटल आर ले लिया और विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं ई आउट इनटू डीआर। यहाँ समझना है एक बात कि विद्युत क्षेत्र हम बाहर वाला ही लेंगे बाहर स्थित, ठीक है, तो उस बाहर स्थित जो विद्युत क्षेत्र है उस पर सीमाएं रख देंगे आर तो पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है ना, तो वही हमारे पास आ जाएगा। ई आउट का मान सबको पता है, ई आउट जो है वो आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मान यहाँ रखेंगे और अभी हमने जैसे समाकलन किया था वैसे इसका समाकलन करेंगे तो माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो आपके पास आ जाएगा बी एस इज इक्वल टू, समाकलन वैसे करना है जैसा मैंने अभी किया है तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो समाकलन की सीमाएं रख रुखा के कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, सिंपल है जैसे अभी समाकलन किया था। बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना, समाकलन x की पावर n का वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस फॉर्मूला का उपयोग करके इसको सॉल्व कर लेंगे और जब सीमाएं रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल R, इससे पहले वाले मारा था स्मॉल r, ठीक है। उसके बाद हाँ भाई तीसरा पॉइंट लेते हैं, जब बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित होगा तो इसका मतलब स्मॉल r जो है वो लेस देन होगा कैपिटल R से, तो इसका डायग्राम देखिए भी आपका चालक गोला था और इसकी त्रिज्या थी कैपिटल R और चालक गोले पर आवेश था q, चालक गोले पर हमने आवेश क्या ले रखा था q और चालक गोले पर आवेश पृष्ठ पर रहता है। अब बिंदु आपका अंदर है p बिंदु और ये स्मॉल r, ठीक है, तो भाई विभव का मान याद करेंगे अंदर स्थित बिंदु पर तो आपका वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू समाकलन e डॉट dr। अब यहाँ सोचने की बात जो इम्पोर्टेंट है और जो याद रखनी है वो ये है, यहाँ सीमाएं दो भागों में टूट जाती है, ये सूत्र दो भागों में टूट जाएगा, एक तो हम अनंत से उस परीक्षण आवेश को पृष्ठ पे लेके आएंगे और पृष्ठ से फिर अंदर लेके आएंगे, ठीक है, एक तो कहाँ आएगा अनंत से कैपिटल आर पर और एक कैपिटल आर से फिर आ जाएगा स्मॉल आर पर, तो भाई दो सीमाएं आ जाएंगी, एक तो अनंत से कैपिटल आर पर, इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र उपयोग में लेंगे बाहर वाला, और माइनस अनंत से सॉरी कैपिटल आर से और फिर कहां पहुंचेगा हम स्मॉल आर पर, तो ये याद रखना है और इसमें विद्युत क्षेत्र काम में लेंगे ई इन और डॉट डीआर। तो इसका मतलब हमने इस सूत्र को दो भागों में तोड़ दिया, जब बिंदु अंदर स्थित होता है चालक गोले के तो विभव जब भी याद करते हैं तो समाकलन की सीमाएं दो भागों में टूट जाती है क्योंकि परीक्षण आवेश पहले अनंत से पृष्ठ पर आएगा और पृष्ठ से फिर अंदर आएगा, ठीक है, तो ई आउट का मान तो आपको पता है, ई आउट आपके पास आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो यहाँ रख देंगे और ई इन का जो मान है चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र वो जीरो था तो यहाँ जीरो रख देंगे, ठीक है, रखो भाई, तो वी जो है वीन आ जाएगा आपके पास माइनस समाकलन कैपिटल आर, ये आउट का मान रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर एंड माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर और ये जीरो इंटू डी आर, ठीक है, तो जीरो इंटू डी आर समाकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यही बच जाएगा आपके पास और इसका समाकलन हमने कर रखा है, मैं फटाफट कर देता हूं, तो वी इन आपके पास आ जाएगा माइनस, ये तो जीरो हो गया है, इसका समाकलन आ जाएगा के क्यू को बाहर ले लेता हूं माइनस के क्यू और एक बटे आर स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस एक बटे आर और लिमिट है इन्फिनिटी से कैपिटल आर, लिमिट रखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो वी इन आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो आर और वी में ग्राफ देखें तो इधर आर ले लेते हैं इधर ले लेते हैं वी, ठीक है, पृष्ठ पर और अंदर, देखो पृष्ठ पर और अंदर विभव का मान समान आ रहा है तो भाई यहाँ आर इज इक्वल टू आर ले लेते हैं और यहाँ आर इज लेस देन आर ले लेते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर ले लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट, तो पृष्ठ पर और अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान समान है, अधिकतम जो मान है वो है, तो ये ले लिया हमने, यहाँ का मतलब है कि विभव का मान जीरो से लेकर केंद्र से लेकर और आर बराबर आर तक समान है और उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है।
कांस्टेंट बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी कि अंदर भी बराबर है, पृष्ठ तक बराबर है, उसके बाद जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है विभव। इसका मतलब बोले कि अंदर से लेकर पृष्ठ तक विभव का मान क्या रहता है? समान। यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अनुसार, आपको ध्यान दें, वो ये है कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है लेकिन विभव जीरो नहीं होता, क्योंकि विभव का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र तो जीरो प्राप्त हुआ था लेकिन अंदर स्थित बिंदु पर